दयाराम नाम का एक अमीर सुनार था। उसके पास काफी पैसा था। दिन रात मेहनत करके उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। दयाराम का एक बेटा था सोनू। सोनू काफी बिगड़ा हुआ था और हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। पिताजी, मुझे नई साइकिल चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो ली थी ना, उसका क्या हुआ? पिछले महीने ली थी ना पिताजी, वो तो अब उससे अच्छी साइकिल आ गई है बाजार में, गियर वाली। दयाराम अपने बेटे की फरमाइशों से काफी तंग आ चुका था और वो जानता था कि ऐसे पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो एक दिन सोनू को बुलवाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी फरमाइशों से तंग आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें इस घर में रहना हो तो जाकर पैसे कमा कर लाओ। पिताजी की डांटने से वो काफी घबरा गया और रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। माँ अपने बेटे के मोह में आके बिना कुछ उसे पूछे उसे एक सोने का सिक्का देती है। ये लो बेटा। अरे वाह, काम बन गया। अब मैं जाकर पिताजी को पैसे दे दूंगा और वो मुझे घर से भी नहीं निकालेंगे। सोनू शाम को अपने पिताजी के पास जाता है। ये लो पिताजी, मैं पैसे ले आया। दयाराम समझ जाता है कि ये पैसे जरूर अपनी माँ से लेकर आया है। जाओ बेटा, ये सिक्के जाकर तुम बगीचे में बने कुएं में फेंकाओ और कल मुझे फिर से पैसे लाकर दो। सोनू बिना कुछ सोचे समझे जाके वो सिक्के कुएं में डाल देता है। अगले दिन दयाराम अपनी बीवी को मायके भेज देता है। माँ के घर से जाने के कारण सोनू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो वो अगले दिन पैसे कहाँ से लाए उस बारे में सोचता है। पैसों का क्या किया जाए, कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, दीदी से लेता हूँ, वो मना नहीं करेंगी। सोनू अपनी दीदी के पास जाता है और उनसे पैसे के लिए बोलता है। दीदी ने भी बिना कुछ सोचे भाई के प्यार में आके उसे पैसे दे दिए। ये ले सोनू, चांदी के सिक्के। शुक्रिया दीदी। सोनू पैसे लेकर फिर से दयाराम के पास जाता है। उसे फिर समझ आ जाता है कि वो पैसे दीदी से लेकर आया है और वो फिर से उसी पैसे को कुएं में फेंकने के लिए कहता है। अगले दिन दयाराम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देता है। अब क्या करूं, दीदी भी चली गई। सोनू के पास अब पैसे का कोई जरिया नहीं बचा था, तो वो अगले दिन बाजार जाता है कुछ काम ढूंढने, और एक दुकान पर काम मिल गया। उसे ठेले में बोरियां उठा के रखनी थी। बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसने वो बोरियां रखी और उसके बदले में दुकानदार ने उसे कुछ रुपए दिए। थका हारा वो पैसे लेकर घर पहुंचा। पिताजी, मैं पैसे ले आया। बेटे की हालत देख के दयाराम को समझ आ गया कि आज ये मेहनत करके पैसे लाया है। जाओ, इसे जाकर कुएं में फेंकाओ। सुबह का थका हारा सोनू ये सुनते ही आग बबूला हो गया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं फेंकूंगा। सुबह से मेहनत करके अपनी कमर तुड़वा के मैंने ये पैसे कमाए हैं, मैं कैसे फेंक दूं? ये सुन के दयाराम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि ये पैसे हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं और हमें इन्हें फिजूल के खर्चों में नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की अहमियत समझ में आ गई है और अब से मैं कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से सोनू समझदार हो गया और अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। चांदी के सिक्के देने वाली गाय, जादुई गाय,
एक गांव में रतन और रजत नाम के दो अमीर किसान रहते थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गायें भी थी। वो दोनों और गायें खरीदना चाहते थे। उनके पड़ोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाय थी। मदन के पास जो भी कुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था। देखो मदन तो बहुत खुश लग रहा है। इतने गरीबी में ये कैसे खुश रहता है? अगर हम इसकी गाय खरीद लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन रजत और रतन मदन की गाय खरीदने के लिए उसके पास आए। कैसे हो मदन? हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। इसके बदले हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मदन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। मुझे अपनी गाय बेचनी नहीं है, आप लोग किसी और से गाय खरीद लें। मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे। रतन, मदन ने हमारा अपमान किया है और गाय भी नहीं बेची। हाँ हाँ रतन, हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए, यही हमारा बदला होगा। अच्छा अच्छा, कैसे? हम उसकी फसल नष्ट कर देंगे, तब वह क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा। उन दोनों ने रात के समय मदन के खेत जला दिए। मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा? कई दिन बीत गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया। मदन और उसकी गाय दोनों भूखे थे। उसने सोचा, अब मैं गाय को कुछ नहीं खिला सकता, इसे बेच देता हूँ, नया मालिक इसे खाना तो देगा। अगली सुबह मदन गाय और अपनी सारी पूंजी लेकर गाय बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मेरे पास केवल 10 सिक्के हैं। रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाय के गले से बांध देता हूँ। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। सराय के बाहर उसने गाय को बांध दिया और खुद अंदर चला गया। तभी गाय के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया। सराय के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा, यह गाय तो चांदी का सिक्का देती है, शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता। क्यों ना मैं यह गाय खरीद लूं? क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए बाजार ले जा रहा हूँ। अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूंगा। बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सराय के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाय खरीद सकता है। यह तो 500 चांदी के सिक्के हैं। कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए।
अरे इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? ये सिक्के मुझे मेरी गाय बेचने से मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है और अब मैं बहुत सी गायें खरीदूंगा। रतन और रजत यह सोचकर उदास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। मदन अब अमीर बन चुका था। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते।